بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. गुज़श्ता सबक में इस्तिग़फ़ार का तज़किरा आया था कि आदमी इस्तिग़फ़ार के जरिए से अपने दिल को पाक कर ले। इस्तिग़फ़ार की मिसाल साबुन की तरह है, जिस तरह साबुन कपड़ों की मैल कुचैल को दूर करता है, इस तरह इस्तिग़फ़ार दिलों को साफ पाक करता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो। गुनाह पर इसरार करने से आदमी में ऐनात पैदा होता है, इस्लाम का मादा खत्म होता जाता है, जिद बढ़ जाती है, दिल में कुदूरत और तारीकी आती है, दिल जंगालूद हो जाता है और वो इसरार की वजह से पुख्ता होता जाता है। लिहाजा गलतियों पर, गुनाहों पर इसरार के बजाय इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह के दरबार में रो धो कर माफी मांगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ऐसे लोगों का बदला अल्लाह के यहां यह है कि उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश कर दी जाती है।
उन्हें अल्लाह की तरफ से नजात के परवाने हासिल होते हैं और उनके लिए अल्लाह ताला ने ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके सामने और नीचे नहरों में खड़खड़ पानी बह रहा है। ये बागात रिहाइश के लिए नहायत करीने से सजाए गए हैं, हर किस्म की आसाइश आराम फल फ्रूट इसमें मौजूद है और कामयाब लोग जो वहां पहुंचाए जाएंगे वहां उनका ठिकाना ये आरजी नहीं है, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, वहां से निकाला नहीं जाएगा। दुनिया में आदमी कितनी भी नेमतों में और नाज़ो नियाम में रहे, बेहतरीन मकान में रहे, या तो मकान खत्म हो जाएगा या साहिब मकान खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत में तो मौत का भी कलाकुमा कर दिया गया है। जिनको आखिरी वहले में जन्नत में दाखिल किया जाएगा वो हमेशा वहां रहेंगे और फैसले हो जाने के बाद जो जहन्नम में रहेगा वो हमेशा के लिए वहां रहेगा और हर एक का जैसा जैसा अमल होगा उसके मुताबिक उसका दर्जा होगा, उसका रुतबा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह मुख्तलिफ नस्लें और उम्मतें और कौमों के हालात बयान किए हैं और अहले ईमान को मिलने वाले इनामात का जिक्र है तो नाफरमानी करने वालों की सजाओं का भी तज़किरा है। अगर जमीन में चलो फिरो तो इबरत की नजर से देखो, कौम समूद ये बस्ती का हाल देखो, अरब वाले करीब से वहां से गुजरते थे, वो मकान के खंडरात वगैरह और हालात देखते थे, कौम समूद की बर्बादियां उनके खंडरात मकानों के देख चुके हैं। बाहर मैयत का इलाका, लेकिन आजकल साइंस इसी का नाम है कि पुरानी मूर्तियां, पुराने सिक्के, पुरानी चीजें सब जमा करके उसके लिए बड़ी बड़ी इमारतें और म्यूजियम बनाकर उसके अंदर जो है तफरी का सामान रख दिया, सैर व तफरी करने वाले करते हैं, सैर सपाटे लगाते हैं। डेड सी जिसे बाहरे मैयत कहते हैं ये वो इलाका है जिसको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान पर ले जाकर उल्टा कर दिया, नीचे पानी पैदा हो गया। ये बाहरे मैयत बड़ी इबरत की जगह थी, लेकिन आज जो है दुनिया की सबसे बड़ी तफरी गाह उसको बना दिया गया और लोग जाते हैं और खूब सैर व तफरी करते हैं और लाखों रुपया उसके पीछे खर्च करते हैं। अखबार देखने वाले अखबार चाट डालते हैं, लेकिन वक्त गुजारी से आगे इबरत जो हासिल करना चाहिए वो नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर चलना फिरना है दुनिया में तुम्हारा, तिजारतों के लिए और कामों के लिए आना जाना है तो इन चीजों पर जरूर तुम्हारी नजर पड़ेगी, इबरत की नजर से देखो। सफर करो तो तुम्हें मालूम हो कि अल्लाह को झुठलाने वालों का, नबियों के साथ बुरा सलूक करने वाले का क्या अंजाम रहा है। ये स्टेटमेंट है कुरान करीम का और उन लोगों के लिए राहयाबी का जरिया है जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं मुत्तकीन में से। मुत्तकी ही अल्लाह से डरने वाला इन तमाम अल्लाह के आजाब और मुअज़्ज़बीन पर आने वाले हालात से डरेगा। मुत्तकियों का जगह जगह अल्लाह ताला तज़किरा फरमाते हैं और जगह जगह उनका जिक्र करते हैं, क्योंकि
वाकयात से, हालात से, हादिसात से ईमान वाले और तकवा वाले जो अल्लाह से डरने वाले हैं वही डरते हैं और वही इबरत हासिल करके अपनी राह को दुरुस्त करते हैं, रुजू इलल्लाह करते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तहिनू वला तहजनू, ये बड़ी मशहूर आयत है, अक्सर मुकर्ररीन जो हैं वो पढ़ते हैं और इससे इस्तेदलाल करते हैं और अक्सर लोगों की जबान पर रहती है, कमजोरी ना आ जाए तुम्हारे अंदर है मुसलमानों। गज़वे उहद के मौके पर जो कमजोरी आ गई, जो मुख्तलिफ शक्लें शकस्त की आई और जिसकी वजह से जरा वाहन पैदा हुआ, वाहन कमजोरी को कहते हैं, ज़ौफ को कहते हैं, वीकनेस को कहते हैं, और जरा दिल हार बैठे थे मुसलमान हालात के एतबार से, उनको कहा जा रहा है कि दिल मत हार जाओ, सुस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे हालात के बाद दोबारा चाको चौबंद होकर पूरे जोश और खरोश के साथ अल्लाह के रास्ते की मेहनत और दीन के बरकरार करने के लिए दोबारा अपनी जान और माल को लगाओ। वहन सुस्ती और कमजोरी को कहा जाता है। दीन के मामले में, जिहाद के मामले में या किसी दूसरी नेकी के सिलसिले में वहन आ जाए ये अच्छी बात नहीं है, ये सिफत अच्छी नहीं है। हदीस शरीफ में वहन की मजम्मत आई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे अंदर वहन यानी कमजोरी और सुस्ती पैदा हो जाएगी तो तुम पस्ती और तनज्जुल की तरफ चले जाओगे। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये वहन है क्या चीज? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। जब लोगों के दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर जाए और मौत से नापसंदीदगी की हालत पैदा हो जाए, घबराएं, भागें, जान हथेली पर लेकर मौके महल के एतबार से न निकलें, तो ये वाहन है। ऐसा वाहन इख्तियार मत करो, ये तुम्हारे तनज्जुल की निशानी है। और आगे फरमाया वला तहज़नू, जो नुकसान हो चुका है गज़वे उहद के मौके पर, बड़े बड़े अकाबिर सहाबा शहीद हुए, बहादुर शहीद हुए, जख्मी हुए 70 आदमी, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, इस पर गमगीन न हो। हुज़्न गम को कहते हैं, अंदर के गम को कहते हैं। अरे भाई, ये शकस में भी बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी मुसलहतें हैं, लिहाजा अगर तुम ईमान पर जमे रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सरबलंदियां आता फरमाएगा। जब जब मुसलमान जमा रहा, अल्लाह की तरफ से फतह जफर के फैसले आए, कामयाब हुए, जंग कादसिया के मौके पर साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु सिपहसालार थे, उन्होंने देखा कुछ मोर्चों पर वाहन आ रहा है मुसलमानों के, तो सब सिपाहियों को जमा किया, मुसलमानों को जमा किया और खुतबा दिया, बयान दिया और फरमाया कि हमसे कोई गुनाह सरजद हो रहा है, कोई कोताही हो रही है, अल्लाह का कोई हक डूब रहा है, इस वजह से कामयाबी में देर हो रही है, कोताही हमारी है, हमें गौर करना चाहिए।
और हम सबको मिलकर इस्तिगफार तौबा रुजू इल्लाह करना चाहिए और फिर जो है मैदान में जमना चाहिए। उनकी बात पर अमल किया गया, लोग इस्तिगफार में लग गए, माफी मांगने में लग गए, ऐ अल्लाह हमसे क्या गलती साबित हुई है जो मुसलमानों का फतह जफर का मामला रुका हुआ है, अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह ताला ने उसके बाद बड़ी फतह मुबीन और बड़ी कामयाबी जो है वो अता फरमाई। अब ग़ज़वा उहद में जो हालात आए उसके लिए फरमाते हैं कि बहुत सी हिकमतें उसके अंदर रही। अल्लाह के हर काम ताला शानहू के हर काम में बड़ी मसलहतें और बड़ी हिकमतें हैं। हर आदमी उस हिकमत को पाले ये मुश्किल काम है। फरमाते हैं हिम्मत हार मत जाओ और पूरे जोश और खरोश के साथ मुकाबले के लिए तैयार रहो। शहादत की तुमने तमन्ना की थी, अल्लाह ताला ने ग़ज़वे उहद में वो शक्ल सामने कर दी, शहादत नसीब हुई। और अगर एक मर्तबा तुम हारे तो इससे पहले बड़ा जख्म तुमने ग़ज़वे बद्र के मौके पर उनको दे दिया है। तो हालात तो बदलते रहते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, हालात तो बदलते रहते हैं, कभी इनकी फतह कभी उनकी फतह, फिर अल्लाह ताला सच्चों को आजमाना भी चाहते थे और शहादत की तमन्ना करने वालों की तमन्ना भी पूरा करना चाहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शहादत की तमन्ना फरमाई है, उक्तल सुम्मा उबिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उबिया सुम्मा उक्तल, हदीस शरीफ में है कि मैं बार बार अल्लाह के रास्ते में काम आऊं और बार बार जिंदगी दिया जाऊं और जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए निसार करूं। फरमाते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने शहादत की तमन्ना की, अल्लाहुम अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीली वजअल मौती फी बलद रसूली, दोनों तमन्नाओं को अल्लाह ताला ने पूरा फरमाया। तो दिन अदलते बदलते रहते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, एक तो हिकमत यह है। फिर कभी अल्लाह ताला दुश्मन को कामयाब कर देते हैं, वो ज्यादा जोर और शोर के साथ दूसरी मर्तबा आएगा तो उसकी जड़ों के काटने का मौका तुमको मिल जाएगा, फिर तुम्हें इम्तिहान जो है वो कामयाबी देंगे। हिरक्ल के दरबार में अबू सुफियान से पूछा गया था, हिरक्ल बड़ा अपनी किताब का भी माहिर था और नुजूम का भी माहिर था, उसने सवाल किया था कि तुम्हारे और इनके दरमियान जंगें भी रही हैं? कहा हां। कैसी रही हैं जंगें, क्या हमेशा उनका हाथ ऊपर रहा या तुम्हारा? फरमाया अल-हर्ब सिजालुम बैनना व बैनहुम, ये डोल की तरह रहा, कुएं में डोल डालते हैं, कभी भरकर आती है कभी खाली आती है, तो कभी उनका हाथ ऊपर रहा कभी हमारा हाथ ऊपर रहा, ये अल्लाह ताला का निजाम है। लिहाजा हिरक्ल ने कहा कि सच्चे नबी का यही आलम होता है, लेकिन इम्तिहान गलबा उसी को अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो आखिर में अल्लाह ताला
तुमको गलबा अता फरमाएंगे और कामयाबी अता फरमाएंगे, और दुनिया ने देखा और तारीख इस बात की गवाह है और शाहिद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को कामयाबी मिली, फतेह मक्का भी अल्लाह ने नसीब फरमाई, हुनैन में भी कामयाबी अता फरमाई, मुख्तलिफ महाजों पर कामयाबी अता फरमाई, वुफूद आने लगे और खूब इस्लाम जो है वो कबूल करने लगे। तो आज के सबक में चंद बातें बड़ी अहमियत की हामिल रही। अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में दाखिला भी चाहिए और कोई कुर्बानी भी नहीं देना, ऐसा नहीं होता। जब हमने तुम्हारे लिए जन्नत में बेहतरीन नेमतें तैयार की हैं तो थोड़ी कुर्बानियां उसके लिए दुनिया में देनी पड़ेगी, तो फिर ये हमेशा की नेमतें तुम्हें हासिल होंगी और तुम्हें कामयाबी मिलेंगी और अल्लाह ताला मकाम रफी अता फरमाएंगे। इससे पहले अल्लाह ताला ने खुद अरब लोगों को और मुशरिकीन को खिताब किया कि तुम्हारे इर्द गिर्द दुनिया भर की नमूने और इबरत के सामान हैं, इनसे फायदा उठाओ, अल्लाह से डरो, रुजू इल्लाह करो। ये जितनी चीजें आसार कदीमा के तौर पर जमा करके रखी हैं तुमने, बड़े बड़े म्यूजियम बनाए हैं और बड़ा तुमने जो है सामान इकट्ठा किया है, मूर्तियां महफूज कर करके रखते हो, इससे इंसानियत का क्या फायदा है? एक तरफ साइंस ने तरक्की की है, हवा में उड़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंसानियत जिल्लत की तरफ और कारे अमीक की तरफ जिल्लत के जा रही है। जितना पैसा ये मूर्तियों पर और ये म्यूजियमों पर और साइंस पर खर्च करते हैं, काश के इन्होंने ये रकम इंसानों पर मेहनत करके लगाई होती तो इंसान दुनिया में होते। आज सबसे बड़ी कमी मानवता और इंसानियत की है, इंसानियत का दर्द खत्म हो गया है। लोग सैर सपाटे के लिए ऐसी चीजें देखते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जाया करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं और सैर तफरी करके आ जाते हैं। अखबारों के देखने वाले भी ऐसे ही हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ताजमहल को क्या देखना और कुतुब मीनार में क्या देखना, ये तो पत्थरों पर मेहनत हुई तो पत्थर देखने की चीज बन गए, अगर इंसानों पर मेहनत होती तो इंसान देखने की चीज बनते, काम की चीज बनते, लोग इबरत हासिल करते और इंसान बनते। कुरान करीम इंसान बनाने वाली किताब है, कुरान करीम बेहतरीन तालीम देने वाली किताब है। आज के सबक में अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें बड़ी अहमियत की हामिल आईं। इस्तिग़फ़ार की कसरत, अभी मग़फ़िरत का आशरा चल रहा है जो चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। करीब आधा रमजान मुबारक गुजर गया है देखते देखते, और ये सोचते सोचते कि अब कुछ करेंगे, तब कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, लेकिन टुमारो विल नेवर कम, ये आइंदा कल जो है वो कभी आती नहीं है। लिहाजा जितना हो सके इसे वसूल करने की कोशिश की जाए, इसके लम्हात से फायदा उठाया जाए, तिलावत कुरान करीम किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, सखावत का जज्बा, दूसरों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, उनके दर्दों में उनके गम में शरीक होना चाहिए। आज तो ये बीमारी ऐसी आई है कि किसी के जनाजे में शरीक होना भी मुश्किल हो गया, उस पर भी पाबंदी आ गई, ना मस्जिद जा सकते हैं ना किसी जगह प्रोग्राम में जमा हो सकते हैं, सब तितर बितर हो गया है निजाम।
یہ اللہ تعالیٰ کی ذرا سی پکڑ کا نتیجہ ہے. اگر بڑی پکڑ آئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اب جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں بیٹھ کر عبادتوں کا دیا ہے، توبۃ اللہ کا دیا ہے، استغفار کا دیا ہے، تلاوت کا دیا ہے، عبادت کا دیا ہے، سخاوت کا دیا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے درجے کے مطابق کام کرتے رہیے، اللہ سے پورا تعلق برقرار رکھیے، کثرت سے تلاوت قرآن، یہ اللہ سے عشق پیدا کرنے والی چیز ہے، محبت پیدا کرنے والی چیز ہے، اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. ابھی واقعے کا سلسلہ جاری ہے، غزوہ احد کا بیان دور تک گیا ہے، اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تنبیہ اللہ تعالی قرآن کریم کے ذریعے سے فرماتے ہیں. ان کی ہاری ہوئی ہمت اور حوصلوں کو بلند فرما رہے ہیں، اور انہیں راہ راست پر رہنے اور ان تمام چیزوں سے عبرتیں حاصل کرنے کے لیے پورا پورا سبق دیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم اور اس کی سمجھ اور اس کے سمجھنے کی فکر اور پھر اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجرنا من النار يا مجير، اجرنا من النار يا مجير، اللهم اجرنا من النار يا مجير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم احفظنا بالاسلام قائما، اللهم احفظنا بالاسلام قاعدا، اللهم احفظنا بالاسلام راقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین اس مہینے کو وصول کرنے کی ہمتیں عطا فرما، عبادت کرنے کا جذبہ عطا فرما، ذوق شوق عطا فرما، جو کیا جا رہا ہے ٹوٹا پھوٹا اسے اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہماری یہ اسباق کو اپنے فضل سے قبول فرما، اسے مفید بنا ہمارے حق میں، سننے والوں کے حق میں. اے الہ العالمین قرآن کریم کے فرامین پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کے ایک ایک حرف سے عشق اور پیار عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے قلب کو شاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اپنی رضا دائمی کا اسے ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، دن میں، رات میں، جانے انجانے میں ہونے والی تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمایا تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے. اے اللہ تو اپنی فضل اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈال، اب کو درگزر کی قلم اس کے اوپر چلا دے، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے،
उम्मत के हाल पर रहम फरमा, खैर और आफियत के फैसले फरमा। ए इलाहल आलमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा। हवा बीबी गुलाम मोहम्मद भाम का इंतकाल हुआ। मेरे अजीज शायद भाम साहब ने कल बतलाया, अभी ऐसा दौर चल रहा है अल्लाह के हम जनाजे की शिरकत से भी महरूम हैं। अल्लाह मरहूमा की मगफिरत फरमा। इम्तियाज बम्बई वालों की भाभी का इंतकाल हुआ, अल्लाह मरहूमा की मगफिरत फरमा। अल्लाह मौलाना अब्बास खानपुरी की सास साहिबा भी दुनिया से तशरीफ ले गईं, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा। माजी करीब में बहुत से मशायख हदीस चले गए, अल्लाह तमाम की कब्रों में नूर बरसा, करवट करवट सुकून अता फरमा। उन्होंने जिंदगी भर जो कारनामे अंजाम दिए हैं और जो हदीस की खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह अपने फजल से उसे मंजूर फरमा ले। हम सब की लवजिशों को दरगुजर फरमा दे, करम की भीख देकर मगफिरत के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह, ईमान पर हमारी जिंदगी गुजरे और ईमान पर दुनिया से जाना हो। ए अल्लाह, सूए खातिमा से हिफाजत फरमा और ए अल्लाह हुस्ने खातिमा ईमान पर नसीब फरमा। ए अल्लाह, ये दुआएं अपने फजल करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।